वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट नंबर टू का लास्ट वीडियो यूनिट टू भी ख़त्म होने वाली है बुक परचेज करी कि नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर नहीं करी तो अभी जाकर खरीद लो सो so, आज का हमारा जो uh, टॉपिक है वो है लर्निंग और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन का पूरा टॉपिक इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी एक इलेबोरेटेड वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें सारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं तीन थ्योरीज है, जो मैथ की है हैंडसबर्क की है और एक्स वाई थ्योरी है ठीक है वो सारी थ्योरी प्रॉपर मोटिवेशन की हर एक हेडिंग मैं उस वीडियो में बना चुकी हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक और टॉपिक है पर्सनैलिटी जिसमें वी आर नॉट मिसिंग आउट क्योंकि वो उसका भी वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है एंड वैसे अगर आपको नोट्स पढ़ने हो तो नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एंड बुक लेनी हो तो बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ठीक है अब वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे पास जो लास्ट दो टॉपिक हैं उनमें बता दूँ कि कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की आठ थ्योरीज़ हैं आठों में आपको पढ़ा दे रही हूँ जब कोर्स खत्म हो जाता है तो वैसे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ तो उसमें से इंपॉर्टेंट देख लिया जाएगा ठीक है बट अभी आठों का ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए बाकी एक टॉपिक हमारे पास लर्निंग छोटू सा है जिसमें नेचर प्रोसेस सिग्निफिकेंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ठीक तो वट इज़ लर्निंग लर्निंग इज अ बेसिकली अ प्रोसेस बाय बायोविच एनी इंडिविजुअल एनी पर्सन और वट एवर अक्वायर्स नॉलेज स्किल्स एंड केपेबिलिटीज किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज स्किल कैपेबिलिटीज को अक्वायर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं लर्निंग मतलब सीखना सो वॉट इज द नेचर ऑफ लर्निंग बट ऑबली सब्जेक्टिव होगा लर्निंग कंटिन्यूस होती है इंटेलेक्चुअल होती है ठीक है लर्निंग कंटिन्यूस कॉन्स्टांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोवाइड करती है लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कैसे आपको कुछ पता होता है आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको जो पता होता है आप उस नए सीखे हुए प्रोसेस को उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं ठीक है तो आपका जो ऑलरेडी सेट परसेप्शन होता है आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं ये मैंने नया सीखा ये ऐसे होता है तो ये अब ऐसे 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 हैं तो अपने परसेप्शन में आप क्या करते हैं एडजस्टमेंट्स करते हैं तो लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट ठीक है बाकी सब्जेक्टिव है एंड हम कह सकते हैं कि uh, थोड़ा सा इमोशंस वगैरह से कनेक्टेड है ठीक आपका कितना मोटिवेशन फैक्टर है किसी चीज़ को सीखने के पीछे वो सब भी मैटर करता है ठीक है दैन वी हैव प्रोसेस ऑफ लर्निंग लर्निंग का प्रोसेस सबसे पहले समथिंग समथिंग पर परसेप्चुअल जो प्रोसेस सिखाया था मैंने लास्ट में वैसा कुछ है लास्ट वीडियो वाला ठीक सबसे पहले अटेंशन अटेंशन इन द सेंस कि आप कुछ भी सीख रहे हैं कुछ भी सुन रहे हैं जो भी कुछ ऐसे अभी मैं वीडियो भी डिलीवर कर रही हूँ तो आप जो सुन रहे हैं उसको अपनी एक्टिव मेमोरी में डाल रहे हैं ठीक देन एक्सपेक्टेंसी आपकी इस वीडियो से एक्सपेक्टेंसी होगी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी लाइक like कि इस वीडियो में मुझे यूनिट टू खत्म हो जाएगी लास्ट दो टॉपिक्स से हेडिंग है सब कवरअप हो जाएगा ठीक अगर मैं सारा कुछ कवर अप कर रही हूँ तो आपकी वो एक्सपेक्टेंसी आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है मतलब आप दोबारा वीडियो देखने के लिए आएंगे ठीक है तो सेकेंड स्टेप है एक्सपेक्टेंसी मतलब हम इंस्पायर होते हैं एक्सपेक्टेशंस अगर हमारी फुलफिल होती है तो हम इंस्पायर होते हैं तो हमने जो सुना होता है उसे हम दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जब आप अब, अब, अब इंस्पायर हो गए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल हो रही हैं इस चैनल पर और हो रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है आप इंस्पायर हो गए आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आ, वो है कि लाइक like, अब हम एक्सपेक्टेशं फुलफिल हो रही है सब कुछ और हम एक्शंस लेंगे तो आक्षस लेने के लिए हमारे पास, पास पास्ट की जो मेमरीज है जो भी कुछ है हमारे पास लाइक like, आप लर्निंग्स लर्निंग मैं टॉपिक समझा रही हूँ आपको ठीक है अब इसमें मैं जो भी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ आप सालों से पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो वो आप पास्ट से सब कुछ गैदर करके एक जगह ला रहे हैं तो आपने क्या किया जो भी आपके पास लास्ट कॉगनेटिव मेमरीज हैं कुछ भी है उन सबसे चीज़ें गैदर कर रहे हैं फिर आपका आया सिलेक्टिव परसेप्शन अब आपने पूरा वीडियो सुन लिया ठीक है मान लीजिए बीस मिनट का पूरा वीडियो आपने सुन लिया बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स लाइक सिर्फ लर्निंग के प्रिंसिपल्स और दो तीन थ्योरीज पढ़ने आए हैं तो आपके पास ये चीज़ सिलेक्टिवली है फीडेड कि आपको यही रिकॉल रख यही चीज़ याद रखनी है आप वही करेंगे ठीक है आप सब सुन लेंगे बट आप बेसिकली जो मग अप करेंगे वो वही इंपॉर्टेंट करेंगे जो आप खुद सोच कर आए कि मुझे ये ये पढ़ना है ठीक है तो ये आपकी क्या आप हो गई मगिंग अप हो गया मतलब सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया ठीक अब आपने जो चीज़ मग अप करी जो आप पढ़ने आए हैं आपने पढ़ लिया सब हो गया तो अब आप उस चीज़ को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड करना चाहेंगे मतलब आपका एक इंट्रेंसिक फैक्टर उठेगा कि जो मैंने पढ़ लिया मुझे याद रहे ठीक है मतलब आप उसको काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्यस्ली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है ठीक ये हो गया एंड देन अब आपने पढ़ लिया ठीक अब आप uh, mm, ने पढ़ लिया समझ लिया सब हो गया अब आप किसी को सुनाते हैं या कहीं लिखते हैं या जो भी कुछ करते हैं तो आपने कहीं लिखा तो आप खुद से खुद को फीडबैक देने कि अच्छा ठीक है ठीक ठाक लिखा है मैंने छः साल पन्ने भर ले रहा हूँ मतलब ठीक ठीक आ गया मुझे आपको फीडबैक मिल गया अब जब आपको फीडबैक मिल गया तो आपने जो स्टार्टिंग इनिशियल में सीखा था आप उसे थोड़ थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम के पहले तो दिस इज वॉट दिस इज़ वॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये लर्निंग का प्रोसेस हो गया ऐसे कोई स्किल हो कुछ भी हो वो ऐसे ही होती है ठीक है तो ये था प्रोसेस देन वी हैव सिग्निफिकेंस लर्निंग का सिग्निफिकेंस क्या है अब बिना सीखे तो दुनिया में कुछ हो नहीं रहा तो लर्निंग की इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या होगी किसी कोई भी इंसान किस चीज़ को कैसे सीख रहा है क्या कर रहा है जैसे बेसिकली जिस इंसान में ईगो बहुत होता है लाइक सेल्फ फीलिंग बहुत होती है वो बेसिकली लर्निंग इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करता है बट जिस इंसान में प्रोग्रेसिव माइंडसेट बहुत होता है वो लर्निंग कहीं से भी अडॉप्ट कर लेता है चाहे उसे छोटा हो या बड़ा हो ठीक तो ये सब जो लर्निंग है जब हम लर्निंग को समझते हैं या फिर लर्निंग को लर्निंग के बिहेवियर को या इम्प्लॉयज़ को जज कर रहे होते हैं उनके लर्निंग पैटर्न के बेस पे तो हम उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है कौन एम्प्लॉई की परसेप्शन कैसी है उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी हैं क्या किस तरीके से वो वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने काम की एफिशेंसी को बढ़ा सकते हैं ठीक है एंड देन वी हैव प्रिंसिपल्स कि कुछ सीखने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं पहला है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन हमें याद होगा अगर आप लोगों को कहा जाता था कि आप कुछ भी पढ़ो तो उसे कनेक्ट करके पढ़ो मतलब कहीं से जोड़ दो उसे ठीक है बेसिकली कनेक्ट करके पढ़ने की जो स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि अगर हम जो चीज़ कनेक्ट करके जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में डजन्स ऑफ बनाना और ट्वेल्थ का ठीक है तो जब आप डजन वर्ड सुनते हैं तो आपने उसको कनेक्ट कर रखा है ट्वेल्व से कि ट्वेल्व पीसेस ऑफ वट एवर डजन ठीक है तो आप डजन और ट्वेल्व को साथ साथ अक्यूमलेट करके चलते हैं अब तो जब कभी ट्वेल्व सुनते होंगे तो आपका माइंड डजन को भी रिवाइज़ कर लेता होगा और कभी आप डजन सुनते होंगे तो आपका माइंड ट्वेल्व पीस को भी रिवाइज़ कर लेता होगा ठीक है तो जब तक आप कनेक्शन बना के चलेंगे तो आप एक चीज सुनने सुनेंगे तो उसके साथ साथ आपका माइंड दूसरी चीज़ को रिवाइज कर लेगा तो ये पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मैं फिर से कह रही हूँ ओ भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है तो बोरिंग अगर लगे तो कनेक्ट करना फिर से जो सेम चीज़ मैं कह रही हूँ अगर बोरिंग लगे भी कहीं भी क्योंकि साइकोलॉजी तो पढ़नी है बेसिकली कि माइंड क्या करता है कैसे करता है तो आप कनेक्शन बना के रखिएगा ठीक है तो ये पहला प्रिंसिपल होगा एसोसिएशन का हमें कुछ सिमिलर लगता है तो हम उसे एक साथ एक जैसा मान लेते हैं कि अच्छा ये इससे मिलता जुलता है ठीक है चलो ऐसा ही होगा कुछ ठीक है तो बेसिकली ये होता है अब देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस रेडीनेस इन देंस कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि भाई मुझे सीखना है या मुझे करना है या मुझे ये आना चाहिए ठीक वो इंट्रेंसिक फैक्टर होना चाहिए बाहर से कोई नहीं पढ़ा सकता बाहर से कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता मतलब क्या आपके अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं है ठीक है अब एक प्रिंसिपल ऑफ रिसियंसी भी होता है और भी प्रिंसिपल्स हैं लाइक रिसेंसी में क्या है जो हमने रिसेंट में सीखा होगा बेसिकली जम जस्ट रिसेंट में वो हमें ज़्यादा उसकी चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें ज़्यादा याद रहेगा अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई मूवी देखने गए हमें मूवी काफ़ी अच्छी लगी तो हमें वो टिप टू टिप एकदम रट चुकी है हमें ऐसा लग रहा है कि बस ये हुआ था ये हुआ था कोई अगर पूछेगा तुरंत बता दूंगा ठीक तो आपने सीखा ठीक आपने बेसिकली उस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को सीख लिया तब इसमें क्या क्या हुआ आप डिटर्मिंड थे कि आपको मूवी देखनी है इसलिए आप मूवी देखने हॉल तक गए ठीक रेडिनेस का प्रिंसिपल फुलफिल हुआ अब एसोसिएशन का प्रिंसिपल अगर आपको कोई बोल दे अब जैसे कि यार उस सीन में ये हो रहा था तो आपने तुरंत रिलेट किया हाँ उसके बाद ये हुआ तो आपने उसको बता दिया कि उसके बाद ये हुआ स्पॉइलर दे दिया ठीक है तो आपने एसोसिएट कर लिया अब देन वी हैव रिसेंसी अभी आपने तुरंत तुरंत देखा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल में एक एक सीन डिस्क्राइब कर सकें ठीक अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल मैं बता रही थी लॉ ऑफ इफेक्ट वाला आप मूवी देखने गए आपको वो अच्छी लगी आपका जो एक्सपीरियंस था वो प्लेजरेबल था तो उस प्लेजरेबल एक्सपीरियंस की वजह से आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इमोशन डेवलप हुआ उस मूवी को लेकर इसीलिए आपके माइंड ने उस मूवी की पूरी इमेज प्रॉपर इमेज क्रिएट करके रख ली एज अ मेमोरी क्योंकि उसे ये पता था कि आपको उस मूवी आपको उस मूवी को देखने के बाद अच्छा फील हुआ तो हमें जिस भी चीज़ को करने के बाद अच्छा फील होता है वो हमारा दिमाग उस चीज़ को एज अ मेमोरी करके फीड कर लेता है तो दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं अगर ये प्रिंसिपल्स फ़ुलफिल हो रहे होंगे तो आपकी लर्निंग के चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी चाहे आप कोई काम सीख रहे हो चाहे अपना पैशन फॉलो कर रहे हों चाहे कुछ मूवी देखने गए हों चाहे अपने पार्टनर से बात कर रहे हों या रिलेशनशिप में कुछ मजे कर रहे हों जो भी कुछ कर रहे हो अगर आपके दिमाग में वो एज अ पॉजिटिव मेमोरी अप हो रही है तो आपको वो इफ़ेक्ट या फिर उसको रिकॉल करना बार बार अच्छा ही लगेगा और अगर आप रिपीट करेंगे कोई चीज़ बार बार तो आपकी उस चीज़ की लर्निंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी कई कई बार होता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको आप इतनी बार रिकॉल कर चुके होते हैं कि आप उसे पॉइंट टू पॉइंट हर बार दस साल बाद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी वजह से भूलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम उसे इतनी बार रिपीट कर चुके हैं इतना प्लेजर ले चुके हैं इतना कुछ फील कर चुके हैं कि हमारे दिमाग में वो मेमोरी स्टोर हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए ठीक दैट इज़ ऑल वॉट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो लर्निंग तो का प्रोसेस सक्सेसफुल या फिर इफेक्टिव तभी होता है जब ये प्रिंसिपल्स फुलफिल हो जाए ठीक है देन वी हैव कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन की जो बेसिक uh, थियोरीज थी वो पढ़ा दी थी मैस्लो की थ्योरी और हैंड्स की थ्योरी हाइजीन वाली एंड एक्स वाई ठीक तो वो या तो वीडियो देख लो तो नोट्स पढ़ लो ठीक है अभी जो आठ थ्योरीज हैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत जल्दी बता दूंगी बुक में तो बहुत सब कुछ लिखा रहता है बट बेसिकली आप हमेशा ओवरव्यू रखो थ्योरीज़ का क्योंकि थ्योरीज में थ्योरी ही होती है वो लिखना ही होता है आपको तो ओवरव्यू रहेगा तो वो लिख लोगे ठीक पहली थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी आम um, बेसिकली जो थ्योरीज है ना ये कुछ कुछ मैसलों से ही ली गई हैं कि मतलब जो मैसलों ने थ्योरी प्रपोज करी थी नीड्स वाली समथिंग समथिंग वहीं से है बहुत कनेक्टिव लगेंगी तो कनेक्ट करके पढ़ाना आठों याद हो जाएंगी कुछ ऐसा खास है नहीं सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली तीन ऐसी नीड्स होती हैं जिन्हें हम फुलफिल करें तो हमारा मोटिवेशन टॉप लेवल पर होता है सबसे पहले ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की नीड लाइक like, अगर हमारे अंदर से इंट्रेंसिक फैक्टर है कि हमें कुछ चाहिए या कुछ अचीव करना या कुछ परफॉर्मेंस हमें फुलफिल करनी है जो भी कुछ ठीक है कुछ भी अगर हमारे अंदर से डिटर्मिनेशन है तो वो पहली नीड हमारी फुलफिल हो गई वो मोटिवेशन फैक्टर हम एक बेसिक लेवल पर है मोटिवेशन के दूसरा है कॉम्पिटेंस अब हमने कोई गोल डिसाइड कर लिया हम उसके लिए डिटर्मिंड है ठीक है तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी सिचुएशन से भी लड़ेंगे उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे काम करने की शुरुआत करेंगे तो सेकंड चीज़ क्या हुई कॉम्पिटेंस विच इज़ चैलेंज फेसिंग या फिर वॉट ठीक है इनके नाम अलग अलग नाम मैंने यहाँ लिख दिए हर थ्योरी में हेडिंग अलग कर दी है बाकी फैक्टर्स थी यही ठीक है फिर जब हमारे पास ये आ गया था फिर हमारे पास हमें चाहिए रिलेटेडनेस सेल्फ स्टीम जिसे हम बोलते हैं अब हमने कोई गोल सेट किया उसे अचीव किया उसके डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं तो हमें उस डायरेक्शन में काम करते वक्त अप्रिसिएशन भी चाहिए ट्रोल्स भी मिलेंगे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे जो हमें अप्रिशिएट करेगा उनसे हम रिलेटेड फ़ील करेंगे जो ट्रोल करेंगे उनसे हम सीखेंगे क्या गलती है क्या नहीं वगैरह वगैरह तो यहाँ पर हमारा क्या सेल्फ स्टीम बिल्ड होगा सोशल रिलेशनस बिल्ड होंगे तो ये था सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी ठीक अब नेक्स्ट हमारे पास है मैक क्लाइंट्स की नीड्स थ्योरी मैक क्लाइंट्स की नीड्स थ्योरी में आई थिंक सेम एग्जैक्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरह ही है बस नाम डिफरेंट है लाइक अब इट्स सिंपल डिफरेंस क्या है कि ये कहते हैं कि हमारे uh, जो मोटिवेशन फैक्टर है उसको जगा के रखने के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास तीन नीड्स होती हैं पहली हमारी जो नीड्स हो नीड होती है वो सिंपल सी नीड होती है जैसे हम कह सकते हैं कि अटेनमेंट uh, की नीड लाइक like कि हम हमें अगर पास्ट में कुछ हासिल हुआ है या कोई सक्सेस मिली है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हम आगे भी वो काम रिपीट करें क्योंकि इंसान हारने से बहुत कतराता है फेलियर को बहुत अवॉइड करना पसंद करता है वो उसका बिहेवियर ही होता है ठीक है तो सबसे पहले तो अटेनमेंट की नीड होती है अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ कर, करी सीखी और उसमें सक्सेसफुल हो गया तो ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे कि आप उसे उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं फिर नेक्स्ट हमारी जो नीड होती है वो थी पावर की नीड अब किसी इंसान का बिहेवियर इम्पैक्टफुल है तो आप उसे एक लीडर बनने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको उस इंसान से काम निकलवाना है आप चाहते हैं कि भाई ये इंसान हेल्पफुल है इसे मैं थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा थोड़ा सा समझाऊंगा सिखाऊंगा तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके काफ़ी अच्छा मदद कर सकता है या काफ़ी अच्छा काम कर सकता है तो बेसिकली स्टार्टअप ऐसा करते भी हैं ठीक है तो अगर आपको पता है उसके अंदर इम्पैक्टिंग इम्पैक्टिंग बिहेवियर है उसका ठीक वो उसको अगर पावर दी जाए तो वो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम एक लीडर बन जाओ ठीक है एक ये हुई तीसरी जो लास्ट हमारी नीड होती है वो हमेशा से आ, हम कह सकते हैं कि अफिलिएशन की नीड अफिलिएशन मतलब साथ मिलकर काम करना ठीक है अफिलट प्रोग्राम्स क्या होते हैं हम उनके बिहाफ पे भी काम कर रहे होते हैं कंपनी को ही होती है हम उनके भी उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं तो सेम चीज अफिलिएशन में है रिलेटेडनेस हम कहते हैं अप्रूवल फ्रॉम अदर्स लोग कहते हैं कि दूसरों से अप्रूवल लेने की नीड नहीं है बट ये हमारे इंटरेस्ट फैक्टर्स हैं अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे हंड्रेड परसेंट चांसेस हैं कि हम उस काम को आगे कंटिन्यू करना पसंद ना करें क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं हम कैसे भी हैं हम गोरे हैं काले हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं हम अपने हर काम में हर फैक्टर में सिक्योरिटी चाहते हैं और इंसान इनसिक्योर होता है इसीलिए वो दूसरों का अप्रूवल सीख करता है आपसे मिलते जुलते उसके भी विचार हैं उसका भी काम या थाट प्रोसेस आपके जैसा ही है तो बेसिकली वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आप उससे बहुत क्लोज या फिर रिलेटेड फील करेंगे तो ये थी एफिलिएशन की नीड तो तीन नीड्स मैक्स लैंड्स ने बताई हैं इनकी तीन नीड थ्योरी में यही ठीक है फिर ज़्यादा सेल्फ़ एफिकेसी की थ्योरी सेल्फ़ एफिकेसी की थ्योरी ये बताती है कि जिस इंसान में जितनी ज़्यादा सेल्फ़ एफिकेसी होती है सेल्फ एफिकेसी इन द सेंस कि खुद से परफॉर्म करने की चाहत काम कोई भी चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे अपना पैशन हो चाहे बिजनेस हो चाहे नॉर्मल कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो हो सोलप्रन्योर हो कुछ भी कुछ भी वो कर रहा है चाहे वो आर्ट हो पेंटिंग हो स्केचिंग उसको करने की उस चीज़ को परफॉर्म करने की सीखने की और अच्छा बनाने की जो इंटरनसिक कैपेबिलिटी या फिर इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जिस इंसान में जितना ज़्यादा होगा वो उतना रिस्क लेगा उस काम के लिए ठीक है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा उस काम में ठीक अच्छी परफॉर्मेंस देगा एंड वो उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा उस काम में लाइक like, अगर कोई भी इंसान किसी भी पार्टिकुलर काम के लिए इंटरनली मोटिवेटेड है इंट्रेंसिक मोटिवेशन है उसका कोई ठीक तो वो उस काम को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ करेगा कंपेरिटिव टू दैट पर्सन जिसको पे वो काम थोपा जा रहा है जिससे वो पता नहीं है बस उसे करना है ठीक तो सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी यही कहती है कि जिस इंसान की जो नीड्स हैं अगर वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड है चाहे प्लेजर की नीड हो चाहे ए, पैसे की नीड हो चाहे फेम की नीड हो चाहे पावर की नीड हो किसी भी चीज़ की नीड हो अगर उसको वो फुलफिल करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो उसके लिए रिस्क भी लेगा कंसिस्टेंट भी होगा और उसमें एफिशेंटली इंप्रूवमेंट भी लेकर आएगा तो ये तीन फैक्टर्स हैं हाई सेल्फ एफिकेसी मतलब हाई रिस्क टेकिंग हाई कंसिस्टेंसी एंड हाई एफिशंसी ठीक अब अब आते हैं व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये तीन चीज़ों को डिफाइन करते हैं सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी और तीसरा वैलेंस एक्सपेक्टेंसी से आप समझ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिलेगा आप एक्सपेक्ट तो करते हैं ना कि कुछ तो मिलेगा हम ये जॉब करेंगे तो हमें इतनी सैलरी मिलेगी हम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमारा ये पैकेज हो सकता है हाईएस्ट ठीक है हम इस कॉलेज से पढ़ेंगे तो हम इस कंपनी में जा सकते हैं हम ये स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसके बदले में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होती है एक्सपेक्टेंसी ठीक ये पहला पॉइंट है इनका दूसरा पॉइंट है इनका इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो हाइएस्ट लेवल पर फुलफिल हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कॉलेज चूज़ किया आपने आई आई एम आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी हाईस्ट लेवल पर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है कि आपका पैकेज काफ़ी अच्छा होगा ठीक है कम्पेरेटिवली काफ़ी अच्छा होगा तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस चीज़ में फुलफिल हो रही है तो आप ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उस एम के पूरे दो साल में अपने आप को इतना स्किल एक्वायर करो इतना ज़्यादा अपने आप को नज़रों में रखो सबकी ताकि आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिल सके तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हायर लेवल तक फुलफ़िल हो रही हैं तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब आप उस काम को करने के लिए और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटैलिटी की एक्सपेक्टेशंस जिस लेवल तक फुलफ़िल हो रही हैं जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसके अगेंस्ट में आप कितना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं फिर हमारे पास है वैलेंस अब जैसे मान लीजिए आपका आ, सेम चीज़ मैं फिर से एक्जाम्पल लेके चलूंगी आप इंट्रेंस का सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये इंट्रेंस एग्जाम देना है इस कॉलेज में जाना है ताकि हमारी ये प्लेसमेंट हो तो आप वहाँ पे कुछ प्लेसमेंट को कैटेगराइज कर देंगे अगर मैं इस कॉलेज में गया तो मेरी ये प्लेसमेंट ये प्लेसमेंट मेरे लिए ठीक ठाक है ये एवरेज है इसमें तो जाना ही नहीं है मुझे ये प्लेसमेंट ही नहीं पसंद है मुझे तो वैलेंस बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका वैल्यू कितनी देते हैं अगर आप मान लीजिए आप टॉप कॉलेज को टॉप कॉलेज के प्लेसमेंट को हाईएस्ट वैल्यू देते हैं तो वो पॉजिटिव बैलेंस हुआ आपका ठीक है मान लीजिए कि आप एवरेज कॉलेज को ठीक ठाक वैल्यू देते हैं मतलब जो भी कुछ है या हो ना हो आपके लिए बराबर है मतलब आपका अगर नेम अगर उन कॉलेज के एंट्रेंस में आ भी गया तो आपके लिए बराबर है तो वो क्या वो जीरो बैलेंस हो गया हो ना हो दैट डजेंट मैटर्स टू यू न्यूट्रल एंड अगर आपका नेम टॉप कॉलेज में भी नहीं आया एवरेज में भी नहीं आया एकदम ही नीचे आ गया तो वो आपका क्या है नेगेटिव बैलेंस कि आप उन कॉलेज को प्रिफर ही नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या हुआ आप उन कॉलेजेस के रिजल्ट को नेगेटिव मानते हैं ठीक है उनके वहाँ पढ़ के आपको जो मिलेगा आप उस वैल्यू उसको रिवॉर्ड को आप नेगेटिव वैल्यू में रखते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पढ़ के होता है ये परसेप्शन होता है ठीक तो हर काम को लेके होता है तो रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में यही है कि आप जो एक्सपेक्टेशन है आपके अपने काम को लेकर कोई भी काम हो एनी वर्क उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी जो एक्सपेक्टेशं है अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो आप उसके लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है और आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा चाहे वो सैलरी हो चाहे वो पैकेज हो चाहे वो प्लेसमेंट हो चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो घर कुछ भी हो जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी आपकी नज़रों में क्या वैल्यू है ठीक है इक्विटी थ्योरी में बेसिकली जे एस एडाम्स ने ये थ्योरी प्रपोज करी है इसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा यही चाहता है कि उसको जो रिवॉर्ड मिले वो जस्टिफाइड हो बेसिकली ऐसा तो नहीं होता है बट इनकी थ्योरी में लिखा हुआ है क्योंकि जब मुझे आप लोगों को पढ़ाया था मैंने तो मुझे याद है उसमें जब डिफरेंशियल पीस वेज रे सिस्टम लागू करना चाहा था फ्योल ने तो उसके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्यों जितना काम करो उसको उतना ही पैसा क्यों आठ घंटे का पैसा हर किसी को क्यों नहीं मिल सकता मतलब उसको लागू होने ही नहीं दिया जा रहा था जबकि एक्चुअल सच्चाई यही है कि अगर आपका काम टारगेट बेस्ड है तो आपने जितना किया आपको उतना ही पैसा मिलना चाहिए बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कुछ लोग इसे अभी भी मानते हैं कुछ लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानते बट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में आपको काम टारगेट बेस्ड ही मिलता है स्पेसिफिकली सेल्स के सेक्टर में जितना बेचोगे उतना ही तो सैलरी देगी है ना तो सेम चीज़ यहाँ पे थी इक्विटी थ्योरी में जेस एडाम्स का ये कहना था कि जो भी इम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनका मानना यही है कि उनका जो रिवॉर्ड चाहे सैलरी हो प्रमोशन हो पे हो बोनस हो वैकेंसी सॉरी वकीशंस हो वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड हो उनके काम से ठीक अब इसमें कॉम्प चार कॉम्पोनेंट्स बोले उन्होंने एम्प्लॉय पर्सन ठीक है दूसरा कॉम्पोनेंट ये था इनका कि इनपुट वो क्या इनपुट दे रहे हैं अगर वो टाइम दे रहे हैं तो उन्हें सैलरी चाहिए ठीक है अगर वो एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें तो रिकॉग्नीशन चाहिए अगर वो कहीं पार्टिसिपेट करें किसी स्पोर्ट्स में जीत रहे हैं तो उन्हें फेम भी चाहिए अवार्ड्स मेडल्स uh, भी जीतने हैं ठीक है तो वो क्या इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट से क्या आउटकम निकल रहा है ये कुछ कॉम्पोनेंट्स थे ठीक है एक पर्सन उसकी क्या आइडियोलॉजी है लाइक कंपेरिजन टू अदर अब किसी को गोल्ड मिला तो वो गोल्ड की वैल्यू टॉप पे कैसे आ रही है क्योंकि सिल्वर वाले को हम क्या मानते हैं सेकंड पे आने वाला पर्सन है ना अगर हम ये मानते ही ना कि सिल्वर वाला सेकंड है और ब्रोन्ज वाला थर्ड है और गोल्ड वाला फर्स्ट है तीनों की वैल्यू एक जैसी होती बट ऑबसली एक जैसी होती बट हम ये मानते हैं कि गोल्ड वाला फर्स्ट होता है सिल्वर वाला सेकेंड होता है ब्रोंज्ज वाला थर्ड होता है डाट इज वाई वहाँ पर कंपेरिजन का सिचुएशन आती है तो कंपेरिजन इक्विटी थ्योरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक है जैसे मान लीजिए दो एम्प्लॉज़ हैं ठीक एक मैनेजर जो, जो काम करते हैं दोनों ने दो दो लाख की सेल करी एक महीने में पर उसकी सैलरी एटीन थाउजेंड उसकी भी एटीन दोनों को सैलरी मिली बट उसको जो बोनस मिला वो फोर थाउजेंड का मिला और उसको सिक्स थाउजेंड का बट ऑब्वियसली वहाँ पर जॉब का डिससेटिस्फैक्शन वहाँ पर क्लाशेज कॉन्फ्लिक्ट सब अराइज होंगे तो इक्विटी थ्योरी में जय अडान्स का यही कहना है कि जो एम्प्लॉई है वो हर किसी के कंपैरिजन में अपने काम के लिए जस्टिफाइड रिवॉर्ड मांगता है और उसी से वो सेटिस्फाइड रहता है ठीक है देन वी हैव री इन्फोर्समेंट थ्योरी री इन्फोर्समेंट का मतलब रिवॉर्ड किसी भी एम्प्लॉय ने किसी ने भी कुछ भी काम किया है इम्प्लॉयी कि के रेफरेंस में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बिजनेस के रिफरेंस में पढ़ा रही हूँ बाकी हर इंसान का सेम वो कोई भी काम कर रहा है उसका जो वाई होता है ना मोटिव पर्पज ऑब्जेक्टिव वो बहुत जस्टिफाइड होता है तभी जाके वो काम उस लेवल तक कर पाता है कुछ लोग बहुत काम करते हैं दिन, दिन रात काम ही काम करते हैं क्यों क्योंकि उनका मोटिव जस्टिफाइड है उनकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंस है उनके मोटिव की उनका बैलेंस बहुत पॉजिटिव है कि जो इस कि इस काम के बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ना उसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ बहुत वैल्यू देता हूँ सेम चीज़ मेरे साथ भी यही हो रही है पापा इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने बिजनेस को लेके कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ मैं सिर्फ उन्हीं का काम कर रही हूँ बट आई लाइक इट अब दिन रात सुबह शाम कोई एक ही डिस्कशन कर रहा है एक ही बात सोच रहा है दैट मीन्स बहुत इमोशनली मेंटली हर तरीके से कनेक्टेड है उस चीज़ से तो फिर मैं मैं भी पूरा डेडिकेशन दे, दे देती हूँ मैंने कहा क्या बात पूरी लाइफ दी है थोड़ा तो दे ही सकते हैं ठीक है तो सेम चीज़ रीन्स री इन्फोर्समेंट थ्योरी में कही गई है कि जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ना अपने काम के बदले में वही मैटर करता है जितना ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड होगा ना उतना ज़्यादा आपके एफर्ट्स लगेंगे अब इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई इंसान अगर आई बनना चाहता है तो उसका जो पहला फैक्टर होता है ना मोटिवेशन फैक्टर वो प्रेस्टीज होता है पावर होता है फेम होता है ठीक है ये उसका पहला फैक्टर होता है क्योंकि वो इंस्पायर इसी चीज़ से होता है सेकेंडरी फैक्टर होता है सेवा करना क्योंकि वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है इंसान किसी भी काम के लिए अगर कदम बढ़ाता है ना तो पहले वो एक्सटर्नल फैक्टर्स देख ही कदम बढ़ाता है इंटरनल तो बाद में आते हैं आप चीज़ें ट्राई करते हो कि मेरा पैशन क्या है या मुझे पसंद क्या है मैं अच्छा किस चीज़ में हूँ तो आप पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स सोचते हो तब ट्राई करते हो इंटरनल तो बाद में आपको फ़ील होता है जब आप उस चीज़ को ट्राई करके प्रेशर फील करते हो या फिर प्रेशराइज फील करते हो वो तो आउटकम होता है ना तो सेम चीज़ यहाँ पे रीज री इन्फोर्समेंट थ्योरी में उन्होंने बताई है कि जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू आपकी नज़र में आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स देते हैं देखा सब सेम सेम ही है कुछ इतना बहुत डिफरेंस नहीं है फिर है एल एल्डर फर्स की ई आर जी थियोरी ये जो थ्योरी है ये मैसलो की थ्योरी का हम कह सकते हैं वर्जन टू पॉइंट ओ है मैस्लो की थ्योरी में क्या था बेसिक नीड्स होती हैं फिर उसके बाद जब रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है जब वो मिल गए तो हमें प्रेस्टीज चाहिए होता है जब वो मिल गया तो फेम चाहिए होता है मतलब वाला लेवल स्पिरिचुअलिटी तो सेम चीज़ इनमें भी है ई का मतलब एग्जिस्टेंस मतलब इंसान की बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान जब वो मिल गया तो वो आर पे जाता है आर का मतलब यहाँ पे है रिलेटेडनेस से जब रोटी कपड़ा मकान मिल गया तभी तुम सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज या फिर अपने रिलेशन वगैरह बिल्ड करोगे जब खाने को रोटी नहीं तो पहले रोटी कमाओगे ना रिश्ते थोड़ी बनाओगे पहले फिर तो उसके बाद रिलेटेडनेस सेकेंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप है ग्रोथ अब जब तुमको रिश्ते भी बन गए सेल्फ स्टीम भी हो गया सब कुछ हो गया अब तुम सोसाइटी में देखोगे चार लोग उस लेवल पे हैं चार इस पे हैं तो मुझे कहाँ जाना है क्या करना है तो उसके बाद आती है ग्रोथ तो ये मैसलो की थ्योरी जैसा ही है इसलिए मैंने खास एक्सप्लेन किया नहीं है फिर है पॉटर और लॉरल का मॉडल पॉर्टर और लॉलर का मॉडल जो है वो बेसिकली जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसी का एक्सपेंशन उसी का एक्सपेंशन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या था कि आप एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस जिस लेवल तक पूरी हो रही हैं आप उस लेवल तक घिस के परफॉर्म करते हैं कि बस पाना है मुझे ये चीज़ और आपका जो रिवॉर्ड होता है उसकी आपकी नज़र में कुछ वैल्यू होती है चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ज़ीरो सेम चीज़ इसमें है इसका एक्सपेंशन इसमें यह है कि ये दो कॉम्पोनेंट है पहली बात तो कि मोटिवेशन सब्जेक्टिव होता है बट ऑबियसली होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन हर इंसान में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं वो आठों थ्योरी में है उसमें कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है बस इसमें क्या है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही होती हैं तो आप उसके लिए परफॉर्म करते हैं ई e मतलब एक्सपेक्टेशन पी मतलब परफॉर्म करना ठीक है परफॉर्म करते हैं जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको आउटकम मिलता है और आउटकम जितना फेवरेबल होता है आपको उस चीज़ को रिपीट करने की उतनी ही ज़्यादा इंट्रेंसिक मोटिवेशन आती है लाइक like, डोपामीन जब रिलीज होता है तो यही तो होता है आपका माइंड किसी भी चीज़ को करके किसी भी काम को किसी भी वीडियो को देखना या फिर किसी भी काम को करना किसी भी स्किल को अक्वायर करना कुछ भी करना पार्टनर से बात करना एनी कोई भी काम कर रहा है और प्लेजर फ़ील कर रहा है तो उसको रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बहुत हद से ज़्यादा चांसेस है उसको रिपीट करने के वट एवर इट इज़ वट ऑफ प्लेजर इट इज़ तो सेम चीज़ यहाँ पर थी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कुछ कि मैं ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा जब आपको लगेगा मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी तो आप परफॉर्म करेंगे और बेटर परफॉर्म जब आउटकम निकल आएगा तो और बेटर परफॉर्म करें ताकि उससे भी ऊंचा रिवॉर्ड मिले तब और 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 की सिचुएशन वहाँ पे शुरू होती है कि अब और चाहिए और चाहिए तो ये थी कुछ आर्ट थ्योरीज यूनिट नंबर टू खत्म हो गया है बहुत गर्मी हो रही है ठीक जिसने बुक्स नहीं ली है प्लीज़ जाकर ले लो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लिया करो यार थोड़ा सा ठीक है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगाओ और आगे यूनिट नंबर थ्री आएगी फिर एक सब्जेक्ट और है उसका तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो में खत्म कर दूँ फटाफट फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और इन बिजनेस एन पढ़ाना है सो स्टेट यून फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब